दोस्तों चेन्नई के फैंस के लिए आईपीएल 2024 से पहले हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आई है। यार दोस्तों ये कहें कि चेन्नई की टीम में जल्दी आपको क्रिस गेल के बाप, जी हां दोस्तों फादर ऑफ क्रिस गेल के नाम से मशहूर तूफानी ऑलराउंडर की एंट्री जल्द होने वाली है। और इस ऑलराउंडर खिलाड़ी के लिए चार बड़ी आईपीएल की टीमें हाथ धोकर पीछे पड़ी है, जिसमे दोस्तों हमारी चेन्नई का नाम भी शामिल है। और चेन्नई वाले हमेशा ही मौके की तलाश में रहते हैं। मौका मिला नहीं कि चेन्नई वाले फटाक से सिग्नेचर करके खिलाड़ी को अपनी फ्रेंचाइजी से जोड़ लेते हैं, और ठीक है ही होने वाला है। और फादर ऑफ क्रिस गेल के नाम से मशहूर ऑलराउंडर जल्दी आपको चेन्नई की फ्रेंचाइजी के लिए खेलता हुआ नजर आने वाला है, क्योंकि भैया हम और नागे बवंडर में फंसे मुस्तफिजुर रहमान का कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है कि इन महाशय को आईपीएल खेलना है या नहीं। और इसी को ध्यान में रखते हुए सीएसके की फ्रेंचाइजी इस गेम चेंजर ऑलराउंडर खिलाड़ी को शामिल करने की फुल तैयारी में है, जो कि मुस्तफिजुर रहमान के रिप्लेसमेंट खिलाड़ी साबित होने वाले हैं। और मुस्तफिजुर रहमान को चेन्नई वालों ने ऑक्शन के मेले से लगभग 2 करोड़ रुपए देकर अपनी से जोड़ा था, लेकिन भैया मुस्तफिजुर रहमान पर पीसीबी यानी कि बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की तलवार लटक चुकी है, जिनके आईपीएल खेलने पर प्रतिबंध लग सकता है, जिसका प्रोसेस लगभग शुरू भी हो चुका है। और आशंका है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2024 को मिस कर सकते हैं, और चेन्नई वालों के 2 करोड़ रुपए भी मिट्टी में मिलने वाले हैं। हालांकि रहमान की चेन्नई को अभी उतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि चेन्नई में धुरंधर गेंदबाजों की कमी नहीं है। और मुस्तफिजुर रहमान के शामिल न होने से चेन्नई के पास क्रिस गेल के बाप को शामिल करने का सुनहरा अवसर मिल चुका है। और चेन्नई वाले तेज गेंदबाज वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी की तलाश में हमेशा से रहते हैं, और बेन स्टोक्स के धोखा दे जाने से चेन्नई का मन अभी तक भरा नहीं है। तो आइए अब हम आपको फादर ऑफ क्रिस गेल से रूबरू कराते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी कट्टर सीएसके वाले हैं और चाहते हैं कि आईपीएल 2024 भी हमारी चेन्नई अपने नाम करे, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों सीएसके फ्रेंचाइजी की नजर वेस्ट इंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर जिनका नाम समर जोसेफ है, जो कि प्रेजेंट टाइम सुपर हीरो बनकर सामने आए हैं, जो अपनी घातक गेंदबाजी के अलावा तूफानी बल्लेबाजी से काफी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और क्रिकेट के दिग्गज इन महाशय को आईपीएल 2024 में खेलते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आप पहले से ही जानते हैं कि आईपीएल में वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर खिलाड़ियों की डिमांड काफी ज्यादा होती है, जो असंभव को भी संभव करने की क्षमता अपने दिल में रखते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण कारण पोलार्ड और डॉन ब्रावो है। और ऐसी ही झलक इस खिलाड़ी में भी देखने को मिल रही है, जिन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सनसनीखेज प्रदर्शन करके सभी को हैरानी में डाला है, जिन्होंने अकेले दम पर कंगारुओं को नमक सूंघने पर मजबूर कर दिया। यानी कि इस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने केवल 2 टेस्ट मुकाबलों में 13 विकेट हासिल करके, इसके अलावा समर जोसेफ ने शानदार बल्लेबाजी करके अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत भी दर्ज कराई, जो कि महज 22 साल के हैं, जिनके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। और सीएसके फ्रेंचाइजी इस ऑलराउंडर खिलाड़ी से लगातार संपर्क करने में लगी है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के अलावा कोलकाता वाले भी इस खिलाड़ी को शामिल करने की तैयारी में है, और चेन्नई इस मौके का पूरा फायदा उठाकर इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को अपनी फ्रेंचाइजी से जोड़ सकती है। लेकिन दोस्तों आप समर जोसेफ को लेकर चेन्नई को क्या सलाह देना चाहेंगे, नीचे कमेंट करके आप अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।